फ्यूचर ऑफ इंडिया और का स्वागत है। इस वीडियो में आज बात करेंगे लोग एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड कंपनी के बारे में। दुनिया भर के शेयर बाजार में जब लगातार गिरावट हो रही हो, जब भारत के बाजार नीचे जा रहे हो, तमाम जो स्टॉक्स हैं वो नीचे जा रहे हो, तो जो एनसीएल रिसर्च कंपनी है भला ये कैसे ऊपर जा सकती है, समझने वाली बात है। इसके प्राइस में भी गिरावट देखने को मिली है। हालांकि ये स्टॉक यहाँ पे देखेंगे तो लोअर सर्किट में बाकायदा आपको चलते हुए दिखेगा। लोअर सर्किट जब किसी स्टॉक में लगता है तो एक दूसरी सबसे बड़ी जो मुसीबत हो जाती है वो ये कि कोई व्यक्ति इसको सेल नहीं कर पाता। आपको यदि हाल फिलहाल के दिनों में इसमें बाई किया होगा और उसमें इसमें लग गया लोअर सर्किट और वो इसको अभी सेल नहीं कर पा रहा हो, तो उसके लिए बहुत ही दुख भरी ये मतलब दास्तान होती है, खासकर जो न्यूली इन्वेस्टर्स होते हैं और जब इस स्टॉक में लोअर सर्किट लग जाए तो। और इसमें देखेंगे तो लोअर सर्किट पिछले लगातार 12 मार्च से इसमें लोअर सर्किट देखने को मिला है। देखिए तमाम जो पेनी स्टॉक्स है ना, चाहे एम पावर इंडिया हो गया, एडवांस टेक्नोलॉजी हो गया, एनसीएल रिसर्च हो गया, इसमें 12 मार्च के दिन से स्टॉक्स में लोअर सर्किट लगा है। आपको मैं आगे बताऊंगा रीजंस क्या होते हैं, लेकिन एक बार आपको मैं दिखाना चाहूंगा इसमें अपर सर्किट भी जल्दी लग सकता है। अब यहाँ पर जैसे देखेंगे मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर मैंने एनसीएल रिसर्च को ओपन किया हुआ है। इसमें देखिए अभी लोअर सर्किट रहेगा 66 पैसे के करीब, यानी कि प्राइस थोड़ा सा और नीचे आएगा तो 66 पैसा तक इसमें लोअर सर्किट रहेगा। और प्राइस मान लीजिए नीचे आने गया, ऊपर जाने लगता है, प्राइस बढ़ने लगता है, तो बहुत जल्दी इसमें अपर सर्किट भी लग सकता है। 0.72 पैसे करीब इसमें अपर सर्किट लग जाएगा, भी प्राइस बढ़ेगा तब। हालांकि प्राइस ऊपर बढ़ने के लिए जरूरी है कि स्टॉक में वॉल्यूम भी आए, वॉल्यूम आएगा तभी किसी भी कंपनी के शेयर प्राइस ऊपर की तरफ जाने में उसको मदद मिलेगा। और जब शेयर प्राइस ऊपर जाएगा तो फिर उसमें अपर सर्किट लगने के चांसेस रहेंगे। अपर सर्किट लगने से ये होगा कि खासकर कोई यदि हाल फिलहाल दिनों में इसमें इन्वेस्टमेंट किया होगा, नए नए व्यक्ति इसमें बाई सेल करते रहते हैं, तो वो निकलना चाहेंगे तो ये निकल सकते हैं। देखिए निकलना तो ऐसे पुराने व्यक्ति भी चाहते होंगे, लेकिन जो लोग पुराने होंगे वो तो काफ़ी निचले लेवल पर बाई किए होंगे, तो उनके लिए उतनी चिंता की बात नहीं होगी। प्राइस एंड वॉल्यूम में जब आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि इसमें तकरीबन एक सप्ताह में स्टॉक आपको 10-10% के आसपास टूटते हुए दिखा है और एक मंथ का रिटर्न भी इसका अब निगेटिव में आ गया है। हालांकि 3 मंथ का और बाकी उसके पहले का 6 मंथ साल भर का रिटर्न अभी भी पॉजिटिव में है। जब आप वॉल्यूम में देखेंगे तो वॉल्यूम में देखिए वॉल्यूम तो अभी भी है तकरीबन एक दिन में 51 लाख के आसपास हो रहा है, लेकिन जहाँ पहले 2-2 करोड़ और 1-1 करोड़ का वॉल्यूम होता था उसके मुकाबले तो कम ही है। तो जब इतना बढ़ने लगेगा वॉल्यूम थोड़ा और तेज आएगा तो फिर प्राइस ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेगा। और एनसीएल रिसर्च एक ऐसी कंपनी जिसमें ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं, यदि आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तो आप बेशक इसको होल्ड करके बने रहिए। आपको शॉर्ट टर्म में प्राइस के ऊपर जाने नीचे जाने या लोअर सर्किट और अपर सर्किट लगने से कोई मतलब नहीं होना चाहिए। और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि एनसीएल रिसर्च एंड फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड जो कंपनी है, जब आप इसके काम को समझेंगे तो ये जो कंपनी है फाइनेंस का सेक्टर में काम करती हुई आपको नजर आएगी। बेसिकली कैपिटल मार्केट में इन्वेस्टमेंट भी करती है, स्टॉक मार्केट में कंपनी का थोड़ा बहुत इन्वेस्टमेंट है, बाकी वैसे ये एक एनबीएफसी कंपनी है। एनबीएफसी कंपनियों का बोलबाला इन दिनों काफ़ी तेजी से बढ़ा है, इनका क्रेज बढ़ा है। आप जानते हैं कि जब किसी चीज़ का क्रेज बढ़ता है तो उसकी जो स्टॉक्स होते हैं, जो उसके शेयर प्राइस होते हैं, वो फ्यूचरिस्टिक पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है, उसमें तेजी आने के चांसेस रहते हैं। तो एक तो कंपनी का काम इंपॉर्टेंट है, साथ में जो कंपनी के फंडामेंटल है, जो टेक्निकल डाटा है, वो भी बढ़िया है। चलिए एक एक करके समझ लेते हैं। काम तो हम समझते हैं, सबसे पहले फंडामेंटल को समझते हैं। तकरीबन 74 करोड़ के आसपास कंपनी का वैल्यूएशन है, यानी कि पेनी स्टॉक ये है और स्टॉक का पीई भी ठीक है, पेनी स्टॉक के हिसाब से 40 के आसपास है, तो ठीक है। वैसे तो पेनी स्टॉक 20-30 के करीब रहे तो ज़्यादा बेहतर माना जाता है, लेकिन पेनी स्टॉक का पीई काफ़ी महंगा ही होता है, उसके कंपेरिजन में देखेंगे तो यहाँ पर ठीक है। शेयर प्राइस बुक वैल्यू से कम, ये निगेटिव बात है, शेयर प्राइस हमेशा जो बुक वैल्यू है ना इससे ज़्यादा होना चाहिए। बाकी कंपनी का रिटर्न ऑन इक्विटी और आरओसी देखेंगे तो यह प्लस में ही, ये बढ़िया बात है। आपकी इन्वेस्टमेंट पर कंपनी इतना परसेंट का रिटर्न साल भर में जनरेट करके देने का दमखम रखती है। देखिए जो इसका फंडामेंटल उसमें और भी चीज़ें समझेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा हम लोग कंपनी का टेक्निकल डाटा समझ लेते हैं एक बार ये क्या बोलता है। एक तो यदि एक साल के चार्ट पर आप देखेंगे तो आप इस लेवल को ध्यान से देखें, जो 70 पैसा के लेवल है, 70 पैसा के लेवल इसके लिए एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल का काम करेगा और प्राइस भी इसी के आसपास आके ठहरा हुआ है। अब प्राइस यहाँ पे कुछ दिन तक समय बिता सकता है, समय बिता के प्राइस तेजली ऊपर निकलेगा, तो इसमें बताया कि 72 पैसा के करीब इसका अपर सर्किट लगेगा और अपर सर्किट लगा तो इजिली आपको 80 पैसा के लेवल तक जाते हुए दिखेगा। 80 पैसा के लेवल को भी निकाला तो इजिली आपको 90 पैसा फिर 1 रुपये तक जाते हुए शॉर्ट टर्म में आपको दिख सकता है। यानी कि 72 पैसा का जो लेवल है वो इसके लिए इंपॉर्टेंट लेवल है और इसमें चूंकि अपर सर्किट लगना है, अपर सर्किट लगा तो 1 रुपये तक जाते हुए दिखेगा। लेकिन आपके मन में सवाल आ सकता है कि प्राइस यदि इसके नीचे है, 70 पैसा के लेवल नीचे है, तब क्या होगा? तब बिजली प्राइस आपको 60 पैसा के लेवल तक आते हुए दिखेगा। कुल जमा बात है कि प्राइस आपको शॉर्ट टर्म में 80 पैसा से लेकर 60 पैसा के बीच में मूवमेंट करते हुए दिखेगा, इससे ज़्यादा नीचे आने के इसके चांसेस नहीं है। तो आपको इतना के बीच में बने रहना है और यदि आपका विजन लॉन्ग टर्म का है तब तो बिल्कुल घबराने वाली कोई बात नहीं है। बाकी जिनका शॉर्ट टर्म का भी विजन है वो इतना तक के लिए आप इसको मन में बिठा के चल सकते हैं, यहाँ तक के लिए आप होल्ड कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ एनसीएल रिसर्च के बारे में जो जानकारी मैंने आपको दी आपको समझ में आ रहा होगा। मन में कोई सवाल है, कन्फ्यूजन है, तो कमेंट में जरूर पूछिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।